मार्केट टाइम टीवी से मैं मुकेश सोनी, आज हम आए हैं दाल पर बात करने। दाल, वह दाल जो तुअर की दाल सबकी पसंदीदा दाल होती है, आज हम इस पर बात करेंगे शैलेश भटाविया जी से, जो दाल के बहुत बड़े व्यापारी हैं। जी साहब बोलिए। सर बताइए, तुअर दाल अभी क्या रेट चल रही है? तुअर दाल चल रही है 110 रुपए से लगा के 150 रुपए। अभी आने वाले समय इसका कैसा रहेगा? नहीं, भविष्य अच्छा नहीं है। भविष्य माल की शॉर्टेज है, माल की खपत के अनुसार उत्पादन नहीं है, विदेशों से माल नहीं आ रहा है, उसकी वजह से तुअर दाल का भविष्य अच्छा नहीं है। ये कह सकते हैं आने वाले समय में और महंगी होगी? हाँ, हो सकती है। कितने तक जा सकती है दाल? और 10 रुपए और बढ़ जाएगी। अपने यहाँ से कहाँ कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? यहाँ छिंदवाड़ा में अमूमन दाल अकोला, पिपरिया और जबलपुर से आती है। मैन जो 90% दाल अकोला से आती है। निर्यात भी की जाती है? नहीं, यहाँ से निर्यात नहीं। महंगाई की वजह क्या है? नहीं, महंगाई की वजह उसका उत्पादन कम है, लेकिन सरकार की नीति की वजह से जो बटाना दाल आ रही है, इम्पोर्ट कर रही, सरकार ने उसकी छूट दे दी, उसकी वजह से उसका जो भाव है 50 रुपए के आसपास बटाना दाल का भाव है, तो उसकी वजह से तुअर दाल का सेल कम होके बड़ा ग्राहक जो है, कंज्यूमर है, वो बटाना दाल की तरफ डाइवर्ट हो गया, क्योंकि उसको बहुत कम रेट में बटाना दाल मिल रही है। तो ये कह रहे कि कहीं ये ना हो कि तुअर दाल लोग खाना ही छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं होता। तुअर दाल खाएंगे लेकिन कम खाएंगे, उसकी जगह जो गांव देहात में गरीब तबके का जो लोग है वो बटाना दाल की तरफ डाइवर्ट हो गए। जो डाइवर्ट हो गए वो तो वापिस आने से रहे। जब तक उनको तुअर दाल महंगी रहेगी वो नहीं खाएंगे, ये बटाना दाल ज्यादा खाएंगे। तो संभावना है कम होने की? नहीं, अगर सरकार इसमें और आयात में जो छूट दे के रखी उसको और बढ़ा के रखेंगी तो फिर ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अभी कितने करीब की छूट है उसमें? हाँ, छूट कितनी है अभी? नहीं, बगैर इंपोर्ट के, बगैर ड्यूटी के इंपोर्ट हो रहा है मटर। मटर वो सरकार की अच्छी नीति है, उसकी वजह से बाकी दालों के सेल में फर्क पड़ गया। नहीं, टैक्स किसी पे नहीं है। इस पे कोई भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, लेकिन चूंकि उत्पादन कम है और फसल अपने यहाँ मार का ही है, फसल कमजोर हो गई है, उसकी वजह से शॉर्टेज थोड़ी कम पोजीशन है कि कम माल मिलकत कम है, लेकिन बटाना दाल ने उसकी पूर्ति कर दी। वो सरकार की अच्छी नीति रही कि उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगी है, मटर दाल लगातार मटर आयात हो रहा है, तो सारी मिलें तुअर छोड़ के बटाने पे आ गई, बटाना दाल चला रही है और उसका भाव बहुत कम है। जिन किसानों 50 रुपए में कोई भी दाल नहीं है, 50-52 रुपए में कोई भी दाल नहीं है, मुझे बटाना नहीं है। तो बटाना मतलब वो खाने में भी अच्छी होती है, मीठी होती है और कंज्यूमर उसकी तरफ डाइवर्ट हो गया। इस बार जिन किसानों ने तुअर दाल की बुआई की है, हाँ, उनको भरपूर भाव, 100 रुपए से ऊपर खड़ी तुअर का भाव मिल रहा है, उनको अच्छा फायदा, बहुत फायदा है। और आगे भविष्य में भी जो इसकी बोनी करेंगे वो फायदे में ही रहेंगे।